ड्राइवर है और मैंने यहाँ पे कुछ समय पहले करीब 15 दिन के आसपास पहले मैंने CNG लगवा ली है अपनी गाड़ी में। मेरी गाड़ी में लोवेटो की किट लगी है और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आ रहा है, एवरेज भी अच्छा है, AC पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। तो एक वीडियो में बनाना चाह रहा था रिगार्डिंग, मैंने एक चीज़ फील करी है कि गाड़ी में वेट ज़्यादा रहता है, तो गाड़ी चलाने की वजह से कभी भी स्पीड ब्रेकर पर एक नॉइज़ खटखट सी आती है बिकॉज ऑफ द वेट। तो मैंने काफ़ी वीडियो पर रिसर्च करी और बहुत लोग ये मीजो कुशवल यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो ये मीजो का है, साइज़ C है, कुशर है, और यहाँ पे मैं गाड़ी लेके आया हूँ इस चीज़ को लगवाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहिया निकल चुका है पहले से ही, और ये जो शॉकर है, शॉकर की जो कॉइल है इसकी जो सर्कम्फ्रेंस है और जो इसकी सर्कम्फ्रेंस है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो मैंने वीडियो पे काफ़ी वेबसाइट पे और कई जगह यूट्यूब पे रिसर्च करने के बाद पता करा कि हम इसको अगर थोड़ा ज़रूरत पड़ने पे कट भी कर दें इसकी लेंथ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि दोनों कुशर्स पीछे के रेयर के व्हील्स में लेंथ बराबर हो। दूसरी बात कि ये यहाँ पे लगना है, और एक ज़रूरी ध्यान रखने की बात है कि ये शॉकर यहाँ से खोलेंगे जब ये शॉकर, तो वो जो शॉकर का स्प्रिंग है वो कम्प्लीटली फ्री हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि पहिया खुल चुका है पहले ही, और अब जो भैया हैं ये जो पीछे का शॉकर है इसको खोलेंगे। इसको खोलने से क्या होगा, ये जो कॉइल है फ्री हो जाएगी। अच्छा, एक तरफ का पहले ही ये चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है क्योंकि उस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया, तो यहाँ से तो नहीं दिख रहा है मे बी, पर अब ये वाले जो व्हील है इसमें मैं पूरा कवर करूँगा वीडियो को इस वाली कॉइल में। और दूसरी बात ये कि हमें क्या कहते हैं बफर्स को बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी पड़ी। आमिर भैया ने एकदम इतना बढ़िया काम करा है कि कटिंग नहीं करनी पड़ी हमें किसी भी तरीके की। तो ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे शॉकर ये वाला खुल जाएगा, ये चीज़ खुल जाएगी, कॉइल फ्री हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला शॉकर खुल चुका है, वो देखिए डिस्कनेक्ट हो चुका है गाड़ी से। ठीक है, और हमारा बफर ये है, साइज़ C ड्राइवर के लिए साइज़ C ऑप्टिमल है, B भी लगा सकते हैं पर C अच्छा है। ठीक है, अब देखिए, अब ज़रा बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एक इजी टास्क नहीं है, काफ़ी मेहनत लगेगी यहाँ पे लगाने में और हाथ पे चोट भी लग सकती है। तो कृपा करके जो लोग घर पे सोचे हम खुद से लगा लेंगे वो ना सोचें इस चीज़ को और किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। ठीक है, अब आप देखिए इसको पुश करना, इस रबर को गाड़ी की कॉइल के अंदर बिल्कुल भी इजी नहीं है। पिछले वाले में आइडिया लगने के बाद इस वाले में ये इजीली चला गया, नहीं तो जो पिछला वाला था उसमें अच्छा खासा टाइम लग गया था कॉइल पे बफर को फिट करने में। और अब देख रहे हैं हम बफर को स्लाइड कर रहे हैं, धीरे धीरे स्लाइड करेंगे ताकि ये शॉकर पे चूड़ी की तरह ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए इसको पुश करना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है, तो घर वाले जो DIY वाले लोग हैं प्लीज़ ना ही कोशिश करें, क्या पता आप चीज़ ही ख़राब कर लें और आपके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं होंगे, ना ऐसा हैवी लोड जैक होगा आपके पास कि गाड़ी को इतना उठा सके, और ना ही इतना एक्सपीरियंस होगा आपके पास, तो प्लीज़ कहीं जाएं प्रॉपर जगह पे। तो देखिए ये बफर, सोप वाटर यूज़ करें, रियली हेल्प करता है, वो सरफेस स्मूथ हो जाता है और जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा इजी हो जाता है करना, जो कि बिल्कुल इजी टास्क नहीं है। और देख रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जो बफर है वो कॉइल में एडजस्ट हो जाएगा, और जैसे कि मैंने पहले बोला था वीडियो में कि मे भी कट करना पड़ता है क्योंकि कुछ कुछ गाड़ियों में करना पड़ता है, पता नहीं कौन सी, पर कुछ गाड़ियों में करना पड़ता है, पर इसमें कट नहीं करना पड़ा फाइनली। अब हम लोग देख रहे हैं, फिर थोड़ा सा डाल रहे हैं ताकि एक स्मूथनेस बनी रहे इस चीज़ को फिट करने में, स्लिपरी रहे।
अब ये देखिए, और हमने उस साइड वाले में हमारी तीसरी वाली कॉइल तक बफर चढ़ा था, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस वाली भी कॉइल तीसरी वाली पे आ गया, आधा आ गया था। हाँ 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 तो अब ये देखिए, और घूमेगा भी अभी। बिल्कुल भी इजी नहीं है इसको इंस्टॉल करना। यूट्यूब पे वीडियोस में भी छोटे साइज़ होने की वजह से इजी हो लगाना, पर इसमें साइज सी लगाना एक बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। देख रहा था? हाँ हाँ, यहीं था। एक बार चेक कर लिया जाएगा है। और अब आप, हाँ भैया, ये भैया कंफर्म है ना यहीं पे था? उससे कहीं भी लगा दो। क्या चीज़ कह रहे? कहीं भी लगा दो। हाँ, और इसको थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। पर देखिए, कुशर को हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना पड़ा। इसको भैया पीछे से डालिए उस तरफ से, और फिर लास्ट वाली नीचे वाली कॉइल में डालिएगा। तो ये मी जो हर टोटल 6 जिप टाई देते हैं, तो हमने 3 इस वाले कुशर पे और 3 जो दूसरे कुशर दूसरे साइज शॉकर में लगा है उसमें एडजस्ट करें। चाहे तो ज़्यादा लगा लीजिए अगर आपके पास हो, पर हमें नहीं लगता उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मेन जो एडवांटेज मैंने दूसरे साइड में नोटिस करा कि गाड़ी की हाइट में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। जो पहले मेरी गाड़ी की एक स्टॉक हाइट हुआ करती थी, एक अच्छी हाइट थी पीछे की, वो मुझे अब देखने को मिल पा रही है इन कुशर्स को इंस्टॉल करने के बाद। तो वो एक अच्छी चीज़ है गाड़ी के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, कितना क्लीनली इंस्टॉल हुआ है। और अब वापस यहाँ पे शॉकर को, ये देखिए डिस्कनेक्ट करा गया था। अब इसको जैक से उठाएंगे गाड़ी के इस साइड को, और फिर शॉकर से वापस कनेक्ट करते हुए फिर व्हील को कनेक्ट करें। यहाँ पे गाड़ी में दोनों साइड कुशर्स लग चुके हैं, मैंने आपको दिखाया था। और अब क्या हो गया है, ये जो गाड़ी की हाइट है जो कि पहले काफ़ी डाउन हो गई थी, अब अच्छी खासी बढ़ चुकी है दोनों ही साइड। तो ये देख रहे हैं, अच्छी खासी जैसी गाड़ी की हाइट होती है। तो रियली अब ड्राइव करके देखूंगा मैं क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या फील आ रहा है। अभी तो ये एक इंस्टॉलेशन पार्ट का वीडियो था। तो फाइनल हम लोग जो है बफर ये लगा चुके हैं, और इससे आप देख सकते हैं हमारे गाड़ी में कितना ऊंचाई जो है इसको मिला है, मतलब पहिए में इतना स्पेस मिल गया ठीक ठाक। मतलब ये देखिए, पहले हमारा ये उंगली जब रख रहे थे तो इस पर छू रहा था, लेकिन लगा देने के बाद से है ना ठीक ठाक ऊंचाई मिल गया, और गाड़ी का पोजीशन भी चेंज हो गया। आप देख रहे होंगे गाड़ी अब थोड़ा सा देखने में और सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। पहले क्या था कि ये पीछे से बैठी हुई थी और आगे से उठी हुई थी, लेकिन अब जो है आगे से झुक गई और पीछे से उठ गई, तो देखने में थोड़ा सुंदर हो गई, अच्छी हो गई, बेहतरीन दिख रही है। आपको और भी दिखाते हैं चीज़ें कहाँ, वो तो हमने दिखा दिया आपको कहाँ लगा कैसा लगा है। और फाइनली गाड़ी अब ओके हो गई हर तरह से, और एकदम फिट एंड फाइन। और आप सब जो है हमारे साथ बने रहिए, इसी आशा और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।